गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेरासिटी इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इससे पहले मैंने पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थर्ड करा चुका हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए। ये मैं टॉप 100 वन वर्ड्स कराने जा रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आज वन वर्ड्स की पार्ट फोर जो है होने जा रहा है आप लोगों के लिए। तो अगर आपने अभी तक पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थर्ड नहीं देखा है तो प्लीज़ उन पार्ट्स को ज़रूर देखें। और ये आज फोर्थ पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट फिफ्थ पार्ट और कराऊंगा मैं, और ये पांच पार्ट के बाद मैं आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा इन वन वर्ड्स के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इसी तरीके से फिर मैं बाकी के 50 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज हम लोग पार्ट फोर देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, मतलब ऐसा कोई काम जिसके लिए सैलरी ना पेड की जाती हो, मतलब वो उसे सैलरी नहीं मिलती हो और वो काम करता हो, तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप चाहें तो अपना आंसर पिक कर सकते हैं अगर आपको आंसर पता है। तो ऑप्शन नंबर ए वर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी ऑनररी, एंड ऑप्शन नंबर सी अनोनस, एंड ऑप्शन नंबर डी क्रेडुलस। तो आप लोग चाहें तो अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग पिक कर सकते हैं, इसका सही आंसर है ऑनररी। ठीक है, तो ऑनररी का मतलब क्या होता है? ऑनररी ऐसा व्यक्ति जो मतलब काम तो करता है मगर किए गए कार्य के बदले पैसे नहीं लेता है, उसे ऑनररी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, इसमें बाकी के तीन ऑप्शन और हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं आप लोग, वर्सिटी। जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल का नाम भी वर्सिटी है, तो उस पर मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है। तो वर्सिटी का मतलब क्या होता है? मतलब सच्चाई, कन्फर्मिटी टू फैक्ट्स, मतलब जो तथ्य हैं उनके लिए कंफर्म होने वाली चीज़ है, मतलब जिसे मतलब बोल सकते हैं हम सच्चाई। तो वेरासिटी का मतलब सच्चाई। ऑप्शन नंबर सी अनानिमस, अनानिमस का मतलब क्या होता है? अ लेटर और पोइम, कोई भी लेटर और पोइम है जिसका हुज ऑथर इज अननोन, मतलब ऑथर क्या है? अननोन है, पता नहीं है किसने लिखी है, तो उसे बोलते हैं हम अनानिमस। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी और देख लीजिए, क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब होता है रेडी टू बिलीव, मतलब हर ऐसी चीज़ जिस पर विश्वास कर सके, मतलब जो आसानी से किसी बात पर विश्वास कर ले, क्रेडुलस उसे कहते हैं। ठीक है, जो भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ पर आसानी से विश्वास कर ले, उसने कोई काम कहा और उसने मान लिया, तो उसे बोलते हैं हम क्रेडुलस। तो इस तरीके से चारों ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में या किसी भी वन वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, वन हु वॉक्स इन स्लीप, ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है, मतलब नींद में बहुत से देखे होगा आप लोगों को, बहुत से बच्चे हैं, बड़ा व्यक्ति भी है जो नींद में चलने लग जाता है और अपने घर से उठ करके कहीं दूर चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन है देख सकते हैं आप लोग, सोमनोलेंट, और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी सोमनेम्बुलिज्म, एंड सोमनेम्बुलिस्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी सोमनीलोकी। चार ऑप्शन दे रखे हैं आप लोग देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोमनेम्बुलिस्ट। ठीक है, अब सोमनेम्बुलिस्ट होता क्या है? थोड़े से इनके प्रोनाउंस थोड़ा सा टफ है, तो आप लोग घबराए ना क्वेश्चनों से, और हकीकत यही है कि अब क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो सोमनेम्बुलिस्ट का मतलब नींद में चलने वाला व्यक्ति, जो नींद में चलता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं आप लोग, सोमनेलेंट, सोमनेलेंट का मतलब क्या होता है? कि काउजिंग ड्रॉसिनेस, मतलब निंद्रालु बनाने वाला, मतलब ऐसी चीज जिससे नींद आए, मतलब निंद्रालु बनाता है कोई चीज, उसे बोलते हैं हम सोमनोलेंट। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर बी सोमनेम्बुलिज्म, मतलब ये सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े एक से एक से हैं। तो सोमनेम्बुलिस्ट का मतलब नींद में चलने वाला, और सोमनेम्बुलिज्म का मतलब होता है नींद में चलना, मतलब कोई आदत है, हैबिट है, उसे बोलते हैं सोमनेम्बुलिज्म। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में सोमनेम्बुलिस्ट का मतलब चल रहा है, व्यक्ति है, और यहाँ पर वो उसकी हैबिट है ऑप्शन नंबर बी में। और ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं आप लोग, सोमनीलोकी, सोमनीलोकी का मतलब होता है जो नींद में बात करता है, मतलब वन हु टॉक्स इन स्लीप, मतलब ऐसा व्यक्ति जो नींद में बातें करता है, मतलब बड़बड़ाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें आदत होती है कि सोते सोते कुछ ना कुछ बात करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से आपके चार ऑप्शन हो जाते हैं क्लियर, अगर आपको देख सकते हैं लोग। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट
और टच ऐसी चीज़ें जिन्हें फेल्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, ब्लेसफेमी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इनडिस्पेंसेबल, एंड ऑप्शन नंबर सी इनकम्प्रेंसेबल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो सी है इसकी सही स्पेलिंग क्या है, आई एन सी ओ पी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे पी नहीं है, तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है, आई एन सी ओ एम पी आर ई एच ई एन एस आई बी एल ई इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी पैल्पेबल, ठीक है, पैल्पेबल। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही आंसर आप लोग है ऑप्शन नंबर डी पैल्पेबल। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जिसे हम मतलब देख सकते हैं, आराम से महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं, यानी कि जिसे आसानी से देख कर समझा जा सके ऐसी चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन और दे रखे हैं ब्लेसफेमी, तो ब्लेसफेमी को देख लेते हैं। अब ब्लेसफेमी क्या कह रहा है हमारा, कि ऐसा व्यक्ति ईश्वर या धार्मिक चीज़ों के बारे में अपमानजनक बात, मतलब भगवान या इनसे रिलेटेड, तो इंसल्ट गॉड और सेक्रेड थिंग, ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम कोई स्पीक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब भगवान के बारे में गलत चीज़ की बात कर रहे हैं, उसे बोलते हैं ब्लैस्फेमी। ऑप्शन नंबर डी आप लोग देख सकते हैं इनडिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जरूरी, जिसके बिना काम नहीं चल सके, मतलब दैट विच कैन नॉट बी डन विदाउट, ऐसी चीज़ जिसके बिना कोई काम चल ही नहीं सकता है, उसकी मतलब हमें हर कीमत पे ज़रूरत है, उसे बोलते हैं हम डिस्पेंसेबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इनकॉम्प्रेंसिबल का मतलब देख लीजिए, तो यहाँ पर जिसे समझा ना जा सके, मतलब स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, मतलब ऐसा कथन, ऐसी चीज जिसे समझा ना सके, उसे बोलते हैं हम इनकॉम्प्रेहेंसिबल, ठीक है। चार ऑप्शन हो गए हैं आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे राइटरों के लेख को चुरा लेता है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन चार और फोर ऑप्शन देख लीजिए, प्लैगरिस्ट, एक्सटेम्पर और बुटीक, एंड ऑप्शन नंबर डी सोजम, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लैगरिस्ट, ठीक है। प्लैगरिस्ट का मतलब जो दूसरे लोगों के लेख को चुरा लेता है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, एक्सटेम्पर का मतलब क्या होता है, एक्सटेम्पर बोल सकते हैं बिना तैयारी के दिए जाने वाला भाषण, मतलब कोई भी स्पीच जो कि बिना प्रिपरेशन के है, विदाउट प्रिपरेशन हम लोग कोई बोलने जा रहे हैं, उसे बोलेंगे हम एक्सटेम्पर। मतलब बहुत सारे नेता होते हैं जिन्हें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है, वो बिना तैयारी के ही पहले ही बोलने की कला रखते हैं। एंड ऑप्शन नंबर सी बुटीक, बुटीक का मतलब होता है छोटी फैशनेबल कपड़ों की दुकान, मतलब फैशनेबल कपड़े यहाँ पर बेचते हैं, उसे बुटीक कहते हैं। बुटीक वर्ड जो है मिस स्पेल्ड वर्ड्स में बहुत ही पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सोजर्न, सोजर्न का मतलब होता है मतलब शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, मतलब किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए रुकना, उसे बोलते हैं हम सोजर्न। जैसे हम कहीं बाहर गए, अब रास्ते में थोड़ा सा हमें इमरजेंसी में रुकना पड़े, उसे बोलेंगे हम सोजर्न। क्वेश्चन नंबर फाइव देख सकते हैं, अ वाइड ग्रुप ऑफ आइलैंड, मतलब ऐसा द्वीप समूह, मतलब ऐसा जगह जो द्वीप समूह से गिरी हो। तो ऑप्शन नंबर ए ड्रॉट, ऑप्शन नंबर बी सामान, ऑप्शन नंबर सी लेबल, एंड ऑप्शन नंबर सी आर्किपेलागो, ठीक है, आर्किपेलागो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर, नंबर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी आर्किपेलागो। आर्किपेलागो का मतलब होता है द्वीपों का समूह, मतलब जहाँ पानी से घिरा हुआ चारों तरफ से जो टीपू वगैरह होते हैं उन्हें आर्किपेलागो बोलते हैं, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं आप लोग, ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, मतलब स्कैसिटी ऑफ रेन वाटर, पानी की कमी, वर्षा की कमी जहाँ जब हो जाती है जिस ईयर में, उसे हम ड्रॉट बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं सर्मन, तो सर्मन का मतलब होता है धार्मिक उपदेश या भाषण, मतलब जो भगवान से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड भाषण देते हैं उन्हें हम सर्मन बोलते हैं। एन एड्रेस ऑफ रिलीजियस नेचर, ओके। एंड लेवल का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल बाय लॉ, मतलब कानूनन जवाबदेह, मतलब ऐसी कंडीशन, ऐसा मतलब ऐसा व्यक्ति जो कानून का उसे जवाब देना पड़ेगा, उसे लेवल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड सेफ्टी, ऐसा स्थान जहाँ पर सुरक्षा मिले
रिफ्यूज हो, मतलब व्यक्ति की देखभाल हो, उसे क्या बोलते हैं? तो फोर ऑप्शन है यहाँ पे। पहला ऑप्शन ए है इगोटिस्ट, एंड ऑप्शन नंबर बी बिब्लियोफाइल, एंड ऑप्शन नंबर सी असाइलम, एंड ऑप्शन नंबर सी रिक्लूज। चार ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों ने अपना आंसर पिक कर लिया होगा तो देख लीजिए। इसका सही आंसर है असाइलम। क्या इसका सही आंसर? असाइलम का मतलब होता है कि मतलब सुरक्षा स्थल बोल सकते हैं, शरण या सुरक्षा स्थल, जहाँ मतलब व्यक्ति को सेफ्टी मिले। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं इगोटिस्ट। इगोटिस्ट का मतलब होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है या बात करता है। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने अपने बारे में सोचता है, अपने अपने बारे में ही बात करता है, उसे हम इगोटिस्ट बोलते हैं। इसकी एक स्पेलिंग दूसरी भी है, इसे हम बोल सकते हैं EGOIST, इगोइस्ट। ठीक है, इगोइस्ट भी होती है इसकी स्पेलिंग, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इसकी ये दोनों स्पेलिंग हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता हो, किताबों को कलेक्ट करता हो, उसे बिब्लियोफाइल बोलते हैं। किताबी प्रेमी मतलब। ठीक है, ये भी ऑप्शन अच्छा सही है। एंड ऑप्शन नंबर डी रिक्लूज का मतलब होता है वह व्यक्ति जो दुनिया से दूर एकांत में रहता हो, मतलब बिल्कुल मतलब पहाड़ों पर जाकर के बस जाए, उसे बोलते हैं हम रिक्लूज। क्या बोलते हैं? रिक्लूज। ओके गाइस, तो आई होप आप लोगों के चार ऑप्शन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वन हु इज वेरी केयरफुल इन द यूज ऑफ मनी, ऐसा व्यक्ति जो पैसे का मतलब जो यूज करने में बहुत ही केयरफुल हो, मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान से एक एक रुपया समझ सोच सोच कर मतलब खर्च करता हो, उसे क्या बोलते हैं? तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इकोनॉमिकल, ऑप्शन नंबर बी इमेरिटस, एंड ऑप्शन नंबर सी बुकबॉम, एंड ऑप्शन नंबर डी क्यूरेटर। तो यहाँ चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम खर्च करने वाला व्यक्ति, मतलब बहुत ही सोच समझकर पैसे को खर्च करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल, मतलब किफ़ायती। इसका आप लोग चाहें तो इसकी एक और स्पेलिंग है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। इसकी दूसरी स्पेलिंग है फ्रुगल। क्या है? FRUGAL, फ्रुगल। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं फ्रुगल इसकी सेकंड स्पेलिंग है। तो इकोनॉमिकल बोल सकते हैं या फ्रुगल बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरिटस हम उस व्यक्ति को बोल सकते हैं जो सम्मान अवकाश प्राप्त करे, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका जिसे डिस्चार्ज किया जा रहा है सर्विस से, बट कैसे? ऑनरेबल तरीके से, मतलब सम्मानित तरीके से डिस्चार्ज किया जा रहा है, उसे बोल सकते हैं हम बोलते हैं इमेरिटस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बुकबॉम। बुकबॉम का मतलब होता है किताबी कीड़ा बोल सकते हैं, मतलब जो वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ओनली किताबों में लगा रहता है और कुछ नहीं, उसे हम बुकबॉम बोल सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं सॉरी। एंड ऑप्शन नंबर डी क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब होता है अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, जिसपे म्यूजियम वगैरह संग्रहालय वगैरह होते हैं, उनका चार्ज होता है, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें हम क्यूरेटर बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, वन हु गोज टू सेटल अब्रॉड, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से जाकर के दूसरे देश में सेटल हो जाता है, अब्रॉड में दूसरे देश में सेटल हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है इनक्रेजिबल, एंड ऑप्शन नंबर बी अपैक, एंड ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी मिसोजिनिस्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी इमिग्रेंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, मतलब जो दूसरी जा करके रहने लग जाए, दूसरी जगह जा करके रहने लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इनक्रेजिबल देख सकते हैं आप लोग, जिससे कभी सुधारा ना जा सके, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, तो उसे हम इनक्रेजिबल बोलते हैं। एंड अपैक का मतलब होता है अपारदर्शी, मतलब दैट थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, ऐसी चीज जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, जैसे कि मान लो दीवार है, हम दीवार के आर पार लाइट को पास नहीं कर सकते हैं, किवाड़ है तो उसके आसपास हम लाइट को पास नहीं कर सकते हैं। मिसोजिनिस्ट होता है वन हु हेट्स व्यूमन, जो ऐसा व्यक्ति जो व्यूमन से औरत से नफरत करता है, उसे हम मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नॉट हैविंग प्रिटेंशंस और अफेक्शंस, ऐसा मतलब जो ऐसा व्यक्ति ऐसी चीज मतलब जिसमें अफेक्शंस ना हो, मतलब दिखावा ना हो, कोई सरल स्वभाव हो, उसे बोलते हैं हम
ठीक है, उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, प्रोफिलिगेट एंड ऑप्शन नंबर बी अनप्रिटेंशस एंड ऑप्शन नंबर सी अनप्रिटेंशस एंड ऑप्शन नंबर सी सिंगुलर एंड ऑप्शन नंबर डी स्कैवेंजर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जैसा कि क्वेश्चन में प्रिटेंशस, तो यहाँ से अनप्रिटेंशस हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, यानी अनप्रिटेंशस मतलब पाखंड व दिखावा रहित, मतलब कोई भी सरल स्वभावित जीवन। ठीक है, अब प्रोफिलिगेट देख लीजिए आप लोग, तो ये क्या होता है, फिजूल खर्च व्यक्ति, रस रैक्सलेसली एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन, एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन मतलब ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा फालतू में पैसे खर्च कर रहा है, बिना यूज़ किए भी पैसे खर्च कर रहा है, उसे प्रोफिलिगेट बोलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ ऑप्शन नंबर सिंगुलर दिख रहा होगा आप लोगों को, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, अनयूजली और स्क्रेकिंग इन नेचर, मतलब अनोखा एंड अपूर्ण, मतलब बिल्कुल अलग हो, सिंगुलर हो, और कोई ना हो उसके जैसा। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर डी स्कैवेंजर का मतलब होता है कूड़े में से चीजें चुनने वाला व्यक्ति, मतलब वन हु कलेक्ट्स थिंग्स फ्रॉम द डिस्कार्ड मटेरियल्स, मतलब बेकार कूड़ा कचरा हम फेंक देते हैं, उसमें से जो काम की चीजें चुनता है उसे बोलते हैं हम स्कैवेंजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ पर्सन हु इज वन ऑफ द फर्स्ट टू डू समथिंग, ऐसा व्यक्ति जो पहली बार किसी काम को करे, पहली बार करने वाला व्यक्ति, मतलब फर्स्ट ऑफ द वन ऑफ द फर्स्ट टू डू समथिंग, सब में से एक जो पहली बार कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पायनियर, ऑप्शन नंबर बी नोटिसेबल एंड ऑप्शन नंबर सी ल्यूसिड एंड ऑप्शन नंबर डी लेमन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है पायनियर, पायनियर का मतलब किसी काम को शुरुआत करने वाला व्यक्ति। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर देख लीजिए पायनियर। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर बी नोटिसेबल क्या मतलब होता है, आसानी से दिखाई पड़ने वाला, इजीली परसीव्ड और नोटिस्ड, मतलब जो चीज़ दिख जाए, हम दिखाने की कोशिश ना करें फिर भी दिख जाए, उसे बोलते हैं नोटिसेबल। एंड ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर एंड ईजिली अंडरस्टेबल, मतलब ऐसी चीज़ जो आराम से स्पष्ट हो जाए, ठीक है, क्लियर हो जाए, ल्यूसिड। एंड ऑप्शन नंबर डी लेमन का मतलब होता है साधारण व्यक्ति, समवन हु इज नॉट अ स्पेशल, मतलब ऐसा व्यक्ति जो स्पेशल नहीं है उसे हम लेमन बोलेंगे। ठीक है गाइज, तो आई होप आप लोगों के चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको इन ऑप्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई किसी भी कैसी भी मतलब क्वेरी है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने ये चार पार्ट्स करा दिए हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग इनको रिवाइज कर सकते हैं, वीडियोस को पॉज कर करके देख सकते हैं, बट वीडियोस को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियोस रेगुलर चल रही है, तो सही से आपको जानकारी जिससे मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करने का तो कोई पैसा लगता ही नहीं है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गुड बाय, थैंक यू टू ऑल।